वेलकम करती हूं मैं आप सभी का कॉमर्स हरिकेन्स पर। मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आई हूं। हाल ही में आरबीआई ने ये गाइडलाइन दी है कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। 30 सितंबर 2023 के बाद से आप 2000 के नोट की करेंसी को चला नहीं पाएंगे। जैसा कि पहले भी हो देखा है हमने, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब नोट बंद कर दिए गए थे और ब्लैक मनी को बाहर निकाला गया था, वैसे ही इसको मिनी डिमोनेटाइजेशन कहा जा सकता है। जिन लोगों के पास 2000 की करेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नोट आज से ही वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका ये नोट वैलिड है, आप इसको मार्केट में चला भी सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक आपको टाइम दिया गया है कि आप बैंक में जाइए, अपने 2000 के नोट जमा कराइए और उसके बदले में दूसरी करेंसी लेकर आइए। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता ही होना चाहिए कि 2018 के बाद से गवर्नमेंट ने यानी आरबीआई ने कोई भी 2000 का नोट नहीं छापा था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में 2000 के नोट की कमी होने लग गई थी और अब ये मनी सर्कुलेशन बहुत कम हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद दोबारा से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, यानी कि 2000 के नोटों को छुपा कर रखा जा रहा है। तो इस करेंसी को बाहर लाने के लिए ही 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सभी को पता होना चाहिए कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। गुड नाइट।